¿Qué? दुबई के कुछ शेखों को शेर पालने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है और ये शौक इस हद तक होता है कि वे इन शेरों को दुकानों के अंदर भी ले जाते हैं, मानो जैसे कोई छोटा सा डॉगी हो। नेपाल के कुछ इलाकों में जहाँ पुल नहीं बने हुए हैं, वहाँ गाड़ियों को उस पार इस तरीके से ले जाया जाता है, और सिर्फ गाड़ियों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े ट्रक्स को भी इस तरीके से ही उस पार पहुँचाया जाता है। यह अजीब सी चीज है हमारे फेफड़े, और आप यह देख सकते हैं कि जैसे ही हम सांस लेते हैं वैसे ही यह इतने बड़े हो जाते हैं, और जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो यह एकदम ही सिकुड़ जाते हैं। कुछ आर्टिस्ट इतनी रियलिस्टिक पेंटिंग बनाते हैं कि लगता ही नहीं कि जैसे इसे पेंट किया गया हो। आजकल कुछ ऐसे केक्स भी बनाए जाते हैं जो कि केक्स लगते ही नहीं हैं। कभी कभार जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर आंखों से देखकर भी भरोसा नहीं हो पाता है। इन टाइल्स को थर्मल टाइल्स कहा जाता है और इनका इस्तेमाल स्पेस रॉकेट को बनाने में किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर इन टाइल्स को भट्टी में 1200 डिग्री पर तपाने के तुरंत बाद अगर आप इन्हें हाथ से उठाने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ बिल्कुल नहीं चलेगा, भले ही ये टाइल्स भट्टी में तपने की वजह से कितनी भी लाल क्यों ना लग रही हों। दुनिया में ऐसी काफी जगहें हैं जहाँ ट्रेन की पटरियाँ घरों या मंडियों से एकदम सटी हुई हैं, जैसे यह नज़ारा है थाईलैंड का जहाँ ट्रेन मंडी के अंदर से होकर गुजरती है, या ये कहें कि मंडी ही पटरियों पर बसी हुई है। और ये दूसरी जगह है वियतनाम, यहाँ भी ट्रेन लोगों के घरों को लगभग छू कर ही निकलती है।
अंतरिक्ष में हो रही पिज्जा पार्टी धरती से काफी अलग दिखती है। क्या आपने कभी किसी रेजिडेंशियल इलाके में जहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स हों, अपार्टमेंट्स हों, इन सबके बीच में किसी को खेती बाड़ी करते हुए देखा है? ऐसा ही कुछ हुआ जब पोलैंड के इस किसान ने अपार्टमेंट बनाने वाली कंपनीज को अपनी जमीन देने से मना कर दिया और यह किसान हर साल अपनी फसल इन्हीं अपार्टमेंट्स के बीच में ही उगाते भी हैं और काटते भी हैं। लंदन के इस अस्पताल में इस औरत का ट्यूमर उनकी दिमाग की सर्जरी करते वक्त तब निकाला जा रहा है जब वह अपनी सर्जरी होते होते ही अपने वॉयलिन को बजाए जा रही हैं। डॉक्टर्स का ये मानना है कि इससे सर्जरी के बाद भी वह वॉयलिन बजाना नहीं भूलेंगी। बर्फ की चादर जब पिघलना शुरू कर देती है तब वह कुछ ऐसा आकार ले लेती है और इसे कैंडल आइस कहा जाता है। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा या बुरा लगा जो कि मैं अगली बार ठीक कर सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं यार अगली वीडियो में।